फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ नए सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, मैं बात का पक्का आदमी हूँ। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, मैं बात का पक्का आदमी हूँ। अगला है, हाउ आर यू नाउ, आपको अभी कैसा है। कुछ कोई इंसान बीमार था, तो बीमार होने के बाद दो चार दिन के बाद, हफ्ते बाद, आप इनसे पूछ सकते हैं कि आप अभी आपको कैसा लगता है। अगला है, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। शायद, इट मे मतलब मे मतलब शायद, आज बारिश होगी। अगला है, हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत। अगला है, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। अगला है, इट डज़ नॉट मैटर वेदर यू कम और नॉट। इट डज़ नॉट मैटर मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कम और नॉट, वेदर यू कम और नॉट, आप आओ कि ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला है, डू यू नो वेयर इज़ द क्लास। ये सेंटेंस ऐसे ज़्यादातर बोला जाता है, लेकिन इसका जो असल जो है, डू यू नो वेयर द क्लास इज़ पीछे आएगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, आई विल हैव कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, मैं चाय के बदले कॉफ़ी लूँगा। आई विल हैव कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के बदले टी, चाय के बदले कॉफ़ी लूँगा। अगला है, आई थिंक वेदर इज़ गोइंग टू वार्म अप दिस वीक। आई थिंक वेदर इज़ गोइंग टू वार्म अप दिस वीक, इस वीक में शायद मुझे लगता है वेदर थोड़ा गर्म होगा। अगला है, डू आई से वन थिंग्स, क्या मैं एक बात पूछूँ। डू आई से वन थिंग, क्या मैं एक बात पूछूँ। अगला है, आई विल कम फॉर श्योर, फॉर श्योर मतलब पक्का। आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा। तो दोस्तों, मैंने इस सेंटेंस के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 कुछ नए सेंटेंस सिखाए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बोल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।